के प्राइम मिनिस्टर आज बहुत ही अहम दौरे के ऊपर चाइना रवाना हुए हैं और सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि कम्युनिस्ट पार्टी चाइना के तीसरी दफ़ा प्रेसिडेंट शी मुंतखब हुए हैं और ये किसी भी हेड ऑफ स्टेट का पहला दौरा है प्रेसिडेंट शी की इस जो अपॉइंटमेंट के बाद और ये एक खास मंजिल के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा क्योंकि इसके अंदर ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो पहले ताखीर का शिकार हुए लेकिन वो प्रोजेक्ट्स जो नए हैं एक्सटेंशंस हैं ऑलरेडी सी पैक प्रोजेक्ट्स की जिसकी तफसीलात आपके साथ शेयर होती रहेंगी जिस तरह उन अग्रीमेंट्स के ऊपर इंशाल्लाह साइन होगा और तमाम जो एक्टिविटीज़ हैं वो बराए रास्त PTV नशर भी करेगा पाकिस्तान की आवाम के लिए। ये एक माइलस्टोन एक क्रिटिकल जंक्चर है सी पैक के अंदर और इंशाल्लाह जो काविशें हैं प्राइम मिनिस्टर की 4 महीने 5 महीने में जितने प्रोजेक्ट्स रुके हुए थे जो चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट ताखीर का शिकार थी जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक्स थे उन सब को प्रोसीजरल ब्लॉक्स को मुकम्मल करके कंप्लीट करके उनको ख़त्म करके अब ये एक नया दौर सी पैक का इंशाल्लाह शुरू होने जा रहा है। वो विज़न जो प्रेसिडेंट शी और प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने देखा था 2013 में जिसको 13 के बाद बहुत ही तेज़ी से मुकम्मल करने का एक जज्बा था एक विज़न था उस वक़्त के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ का और वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि इस ख़ित्ते के नौजवानों के लिए इस मुल्क के नौजवानों के लिए तरक्की रोज़गार प्रोजेक्ट्स डेवलपमेंट हर चीज़ उसके अंदर इंक्लूडेड थी और इंशाल्लाह मैं समझती हूँ कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का ये दौरा उसी की अगली कड़ी होगा और उसको ऑगमेंट करेगा। अब जो इम्पॉर्टेंट बात आपसे आज करनी है कि एक तरफ जहाँ प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ पाकिस्तान के सफारती ताल्लुकात इन्वेस्टमेंट्स इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स और आप चाइना के दौरे पर रवाना हुए हैं और इसी तरह एक शख्स 2014 में कंटेनर पर चढ़ा हुआ था और वही उस वक़्त भी प्रेसिडेंट शी के दौरे को सबोटाज करने के लिए वो डिले हुआ सी पैक डिले हुआ उसकी वजह से और उसी तरह आज वो शख्स उसी रवायत के साथ कंटेनर पर खड़ा है लेकिन फ़र्क सिर्फ इस बात का है कि आज उसके कंटेनर पर खड़े होने से जो खुद वो एक्सपोज हो रहा है। 2014 में अंपायर की उंगली का इंतज़ार करते करते वो 126 दिन का धरना देकर घर चले गए थे तब भी उनके हाथ कुछ नहीं आया था और अब वो अपनी तकारीर के ज़रिए उस फ्रस्ट्रेशन का इजहार कर रहे हैं जो उनके तकारीर में उनके अल्फाज में उनकी ज़बान में आया है। गाली देते हैं धमकी देते हैं गंदी ज़बान इस्तेमाल करते हैं गलाज़त उड़ेलते हैं लोगों को इस तरह तासुर देने की कोशिश करते हैं कि वो बहुत बड़ी कोई हकीकी जंग जो है वो जारी है इस वक्त। और कल जो उन्होंने ट्वीट किया मैं समझती हूँ कि वो इस बात का सबूत है कि जो अमीन गंडापुर जो उनके मिनिस्टर हैं जो बंदूकों के मोर्चे लगा रहे थे वो इमरान खान साहब के कहने पे लगा रहे थे। मुझे इस बात में पहले भी कोई शक नहीं था लेकिन अब ये इस बात का सबूत आ गया क्योंकि उन्होंने कल कह दिया बैलेट या ब्लडशेड और अब मुल्क के अंदर गाली देकर बंदूकों से खूनी इनकलाब लाने से या इस तरह की तकारीर करने से इलेक्शन नहीं मिलते। इलेक्शन बतौर वज़ीर आज़म आपको मार्च में ऐलान करना चाहिए था जब आप वज़ीर आज़म थे आपके पास इख्तियार था आपके पास आइनी इख्तियार था लेकिन अब आप अगर ये समझते हैं कि लोग आपकी धौंस आपकी धमकी आपकी गाली और आपके ये ब्लड शेड और इस किस्म के बयानात से आपको इलेक्शन मिल जाएगा लोग आपके प्रेशर में आ जाएंगे तो ऐसा नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि लोग आइन के साथ खड़े ना हो अफवाज पाकिस्तान आइन के साथ खड़ी ना हो इस्टेब्लिशमेंट आइन के साथ खड़ी ना हो अदारे आइन के साथ खड़े ना हो इलेक्शन कमीशन आइन के साथ ना खड़ा और आपकी चोरियों आपकी डकैतियों आपकी नालायकी आपकी नाअहली आपकी करप्शन के साथ खड़े हों तो ऐसा नहीं होगा। दूसरी बात आपने रात को एक ख़तरनाक बात की कि आपने कहा अगर मार्शल लॉ मुल्क में लगता है तो लगाएं क्योंकि आपका मकसद इलेक्शन नहीं है। अगर आपका मकसद इलेक्शन होता तो आप मार्च में इलेक्शन का ऐलान करते। आपका मकसद मुल्क में खून खराबा इंतशार फसाद कि अगर मेरा इक़्तिदार नहीं तो जो आप बातें करते थे कि खुदा न खास्ता मुल्क को 4 टुकड़ों में तकसीम कर दिया जाए आज आप वो करने के लिए तैयार हैं। मुल्क की इकाइयों पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की पुलिस इस्लामाबाद की चढ़ाई करने के लिए आप तैयार हैं तो अब ऐसा नहीं होगा। और मार्शल लॉ आप चाहते हैं कि मुल्क के अंदर इमरजेंसी लगे ये आपका माइंड सेट है जो आपने रात को इस बात का सबूत दिया है। एक तरफ गाली देते हो एक तरफ धमकी देते हो एक तरफ गलाज़त उगलते हो और दूसरी तरफ कहते हो मैं अदब से बता रहा हूँ तो आपका ये दिमागी जो प्रॉब्लम है ये काफ़ी अरसे से जारी है लेकिन अब वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो गया। और दूसरी बात कि आप कहते हैं कि पूरा पाकिस्तान यहाँ खड़ा है जिसकी वजह से मैं ये सारी बातें कर रहा हूँ तो 1500 लोग 2000 लोग 22 करोड़ आवाम नहीं होती 22 करोड़ आवाम जो है वो चाहती है कि मुल्क के अंदर आइन की बालादस्ती हो, मुल्क जो है वो आइन के मुताबिक चले। जो 4 साल तुमने मुल्क में नालायकी, नाअहली, बेरोज़गारी, करप्शन और डकैतियाँ की हैं, और अब तुम ये चाहते हो कि 4 साल उसके ऊपर पर्दा डाला जाए। ऐसा 4 साल की जो नाकामी थी उसके ऊपर पर्दा डाला जाए। मैंने उस दिन भी आपको चैलेंज किया था कि एक जुमला बोलें अपनी कारकर्दगी पे, लेकिन आपके पास एक जुमला क्या, एक लफ्ज़ बोलने के नहीं है अपनी कारकर्दगी के लिए। और इसीलिए आप ये गाली, बंदूकें, खून, ब्लड शेड की बात करते हैं। इलेक्शन अपने वक्त पर होगा जिसका आइन तयन करता है, और उसी के मुताबिक इलेक्शन अपनी हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करके, ये इंशाल्लाह हमारा वादा है आवाम से। कल किसान पैकेज प्राइम मिनिस्टर का एक तारीखी किसान पैकेज था, और तुम्हें तकलीफ इस बात की है, जब किसान पैकेज का अनाउंसमेंट हुई तुमने मार्शल लॉ की अनाउंसमेंट की। ये तुम्हारा दिमाग और तुम्हारी फ्रस्ट्रेशन और तुम्हारी नीयत और तुम्हारा असल मकसद जो है उसका सबूत है। किसान पैकेज एक तारीखी पैकेज है जिसके अंदर प्राइम मिनिस्टर ने जो मराद दिए हैं इत्तेहादी हुकूमत की मंजूरी के साथ, मैं समझती हूँ कि उससे ज़रात में जो तरक्की आएगी उसकी तफसीलात जो है हम लोगों ने PTV के ज़रिए भी और प्राइवेट चैनल्स के ज़रिए भी, और प्राइम मिनिस्टर ने एक बड़ी मुफस्सल प्रेस टॉक करके उसमें सारी डिटेल दी है। और ये भी उन्होंने कहा है कि जो जो अनाउंसमेंट्स हुई हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन फौरी तौर पर शुरू हो जाए, उसको प्राइम मिनिस्टर खुद मॉनिटर करेंगे। और इसके साथ साथ आपने जो असल पाकिस्तान के बनने की रूह थी, जो कायदे आज़म का एक पूरी स्ट्रगल थी जमहूरियत के लिए, पाकिस्तान बंदूकों से मार्ज़े वजूद में नहीं आया था, पाकिस्तान गोलियों से मार्ज़े वजूद में नहीं आया था, कुर्बानियाँ दी थी। और आज तुमने जो रात को अलन अलान मुल्क में मार्शल लॉ लगाने का मुतालबा किया है, और मीडिया की बात की है कि मीडिया की पाबंदी है, मीडिया पे कोई पाबंदी नहीं। अगर तुम्हारी आवाज़ मीडिया पे चल रही है तो इसका मतलब है कि मीडिया के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन जिस वक्त आप रेड लाइंस क्रॉस करेंगे, आपने शोधा के ख़िलाफ़ कैंपेन की, आपने शोधा के ख़िलाफ़ पूरी एक मुहिम चलाई, ये पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। एक सियासी लीडर कंटेनर पर चढ़कर बंदूक और ब्लडशेड की बात करे, मार्शल लॉ लगाने की बात करे, तुम्हारा जहन ही एक डिक्टेटर का जहन है, एक फाशिस्ट का जहन है, एक मीडिया प्रेडेटर का जहन है, जो तुम्हें सर्टिफिकेट मिल चुका है। करप्शन का सर्टिफिकेट तुम्हें मिला, मीडिया प्रेडेटर का सर्टिफिकेट तुम्हें मिला, नालायक नाअहल का सर्टिफिकेट तुम्हारे पास है, चोर और डकैत का सर्टिफिकेट अब तुम्हारे पास है। इलेक्शन कमीशन में फॉरेन फंडिंग की जो केस है, इलेक्शन कमीशन को इसलिए गाली देते हो, इसलिए बुरा भला कहते हो, इसलिए अच्छा नहीं लगता क्योंकि जब तक फैसला नहीं आया था तब तक इलेक्शन कमिश्नर तुमने खुद तैनात किया था, और अब तुम उनको इसलिए गाली देते हो क्योंकि तुम्हें रंगे हाथों पकड़ लिया। इसलिए ये तमाम चीज़ें पाकिस्तान की आवाम जानती है। तुम्हारा फाशिस्ट जहन, तुम्हारा ये इनकलाब नहीं है। तुम चाहते हो मुल्क के अंदर खूनी इनकलाब आए, ये खूनी मार्च है जिसकी तुम तैयारी कर रहे हो। लेकिन पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान की हकूमत, पाकिस्तान के शहरियों की, अपने नौजवानों की, अपने बच्चों की, अपने बूढ़ों की, अपने बुज़ुर्गों की, अपनी ख़वातीन की हिफाजत करना जानती है। और इंशाअल्लाह हर वो इक़दाम करेगी, हर वो कदम उठाएगी जिससे यकीनी बनाया जा सके कि हर शहरी की जो ज़िंदगी है वो सेफ़ है और सिक्योर है। आप ख़ुद एक मुजरिम हैं, आपकी चोरी पकड़ी गई है। बंद कमरे में आर्मी चीफ को एक्सटेंशन की ऑफर करके वो कारोबार जो तुमने आइन के साथ किया, वो खिलवाड़ जो तुम आइन के साथ करना चाहते थे, फिर उसको तस्लीम किया कि हाँ मैंने ऑफर की थी। तुम इतने ढीठ शख्स हो। तुम जैसा आइन शिकन पाकिस्तान की तारीख में नहीं आया होगा, जिसका सुप्रीम कोर्ट ने सर्टिफिकेट तुम्हें दिया है। और तुम आइनी ओहदों से गद्दारी कराते रहे, आइन शिकनी कराते रहे, और अब अपने साथ कंटेनर पर खड़े लोगों से तुम खूनी इनकलाब के नारे लगवा रहे हो, मार्शल लॉ के नारे लगवा रहे हो। आपको शर्म आनी चाहिए। इंशाल्लाह पाकिस्तान में जमहूरियत इसी तरह बढ़ती रहेगी, फूलती रहेगी और पाकिस्तान की आवाम की खिदमत करती रहेगी। ये बात कि दूसरे चोर हैं, दूसरों पे तो 4 साल तुम एक इल्ज़ाम साबित नहीं कर सके। नवाज शरीफ हो, शहबाज शरीफ हो, हमजा शहबाज हो, मरियम नवाज हो, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की बाकी सारी क़ियादत हो, एहसान इकबाल, राना सनाउल्ला, शाहिद खकान अब्बासी, मुफ्ती इस्माइल, हनीफ अब्बासी, सलमान रफीक, साद रफीक, जितने लोगों पर तुमने केसेस बनाए, जितने लोगों पर तुमने इल्ज़ामात लगाए, आज कहते हो कि इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे लगाए थे, इस्टेब्लिशमेंट कह रही थी कि चोर हैं। अगर इस्टेब्लिशमेंट कह रही थी चोर हैं तो तुमने क्यों जेलों में डाला, तुमने क्यों सजाए मौत की चक्कियों में डाला? उस वक्त तुम कहते थे सारी ताकत मेरे पास है और आज दूसरों पर इल्जाम लगाते हो। 4 साल एक इल्जाम, तैबा गुल को अगवा कर लिया पीएम हाउस में, DGFIA को बाथरूम में बंद कर दिया, नैब न्याजी गठजोड़ नैब के चेयरमैन को ब्लैकमेल करके दूसरों को जेलों में डाल दिया, और कहते हो कि आज दूसरे कहते थे कि चोर हैं। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। और फिर कहते हो बुजदिल। आप जैसा बुजदिल शख्स, जो बुजदिल होता है वो बंदूकों के नारे लगाता है, वो अपनी आवाम को मारने के नारे लगाता है, वो खूनी इनकलाब के नारे लगाता है, वो मुल्क में मार्शल लॉ लगाने के नारे लगाता है, वो बंदूकों से इनकलाब लाने के नारे लगाता है। उसका मकसद जमहूरियत नहीं, उसका मकसद किसी किस्म की कोई आइन की बालादस्ती नहीं होता। उसका मकसद कि मेरा इक़्तिदार नहीं, मेरी कुर्सी नहीं, तो मुल्क को खुदा न खास्ता, ये तुम्हारे अल्फाज हैं कि 4 हिस्सों में तोड़ दो। ये आपका असल मकसद है। ना आप इलेक्शन चाहते हैं, ना मुल्क में जमहूरियत चाहते हैं, ना मुल्क में अमन चाहते हैं, ना मुल्क की तरक्की चाहते हैं, ना मुल्क के अंदर आप चाहते हैं कि रोजगार आवाम को और नौजवान को रोजगार मिले, क्योंकि 4 साल ना तुम दे सके और अब पूरी कोशिश है कि और भी कोई इसमें अपना हिस्सा ना डाल सके। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून तुम्हारे धरने से निपटना भी जानती है। नवाज शरीफ की क़यादत में 2014 में तुम्हें घर पहुंचाया था 126 दिन के बाद, और इंशाल्लाह अब भी इस्लामाबाद से पहले बोरिया बिस्तरा गोल होगा और आप घर जाएंगे। बहुत शुक्रिया। YouTube पर Googly News देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में Googly News TV टाइप करें। Googly News के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।